वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। बहुत लोगों की डिमांड थी कि यार भैयू को दिखाओ, ये बहुत दिन हो गए इनको ब्लॉग में लिया ही नहीं मैंने। हाँ ठीक है, खा रहा हूँ हर कुछ। ये क्या है, अब धीरे धीरे बड़े हो गए ना तो बहुत भयंकर वाली मस्ती करने लगे हैं, और इसने डायपर पहना है तो आज थोड़ा अजीब लग रहा है। तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, और कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लाइफ में पहली बार मैं भी प्रयत्न करूंगा कि व्रत रखूं। क्या मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती इसलिए मैं व्रत रख नहीं पाता हूं, लेकिन हम रखेंगे चाहे जो भी हो जाए। भाई क्या कर रहे हो? अबे ये खाने की चीज़ है क्या? खेलने के लिए तुमको दिया है यार। इधर तो देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या कर रहे हो बताओ जल्दी, हाय कर दो जल्दी से। हाय, अरे हाय कर दो यार। अरविंद सुनो, तो अपन कहाँ जा रहे हैं बेटे बताओ? ये देंगे ऐसे तुमको, है ना? रुको, खाने के लिए नहीं है लेकिन ये। अरे तो अभी बहुत अच्छे से चलने भी लगा है, और हमारी पीयू पीयू जिद कर रही थी कि हमको भी लेके जाओ। देखो और पीयू रोने लगी। पीयू को कंगन चाहिए था यार, तो पीयू को बोल रहे हम ला देंगे यार, लेकिन मान नहीं रही है। तुमको तो ले जा रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो भैया? क्यों? नेक्स्ट टाइम चलना बेटे, भैया की बर्थडे गाड़ी को तो तुमको सरकारी गाड़ी बना दिए, रो मत ही, नेक्स्ट टाइम ले चलेंगे ठीक है। भैया हो गए हैं तैयार अच्छी तरह से, वाह पैंट वैंट पहन लिए। अरे यार टोपी क्यों निकाल दी भैया? टोपी तो पहनो, लाओ टोपी पहन लो, कितना अच्छा तो लग रहा था। भैया की टोपी हमने पहन ली है, भैया पहनना है बताओ जल्दी, निकाल दे। ओए इधर देखो, चल चाबी ले चले, चलो 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 चलो। और एक लड़की यहाँ पे बहुत जोर से रो रही है, कहीं ये रही ये रही ये रही। नेक्स्ट टाइम ले चलेंगे ना बेटे, अपन दोनों चलेंगे ठीक है। मैं भी चलूंगी। हाँ राशि को भी ले चलेंगे ठीक है, पक्का वाला प्रॉमिस नहीं, ले चलूंगा। देखते हो इधर। तो फाइनली भैया ने भी टोपी लगा ली है, और बहुत ही मस्त लग रहा है भैया। चले चले, जल्दी बोलो कुछ, जल्दी बोलो, चले। किसकी टोपी अच्छी लग रही भैया? ये शॉपिंग पे से सीधे घर आ गए। फिलहाल मैं यहीं से बाहर के बाहर अब जा रहे हैं इस गाड़ी को रखने के लिए, है ना, और छोटे मोटे और काम हैं। सोच रहे हैं कांच में फिल्म लगा लें, जैसे कि कल के ब्लॉग में बात कर रहा था। हाय वानी, तो हो सका तो फिल्म चढ़वाने जाएंगे इसके ग्लासेस पे। महाराज को पता नहीं है, दिख भी नहीं रहे घर पे। देखो भैया सामने एक बहुत ही शानदार मूर्ति आ रही है, एकदम विशाल काय प्रतिमा। कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो उसी के लिए ये सब मूर्तियां जा रही हैं। और इसके पहले भी मैं एक और मूर्ति निकली थी, वहां पे एक बात बता रहा था और रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, मैं बटन दबाना भूल गया। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि सारी की सारी प्रतिमाएं जो होती हैं उनके मुँह पर लाल कपड़ा ढका हुआ होता है ना, तो उसका रीज़न ये रहता है कि जब कल से मतलब नवरात्र शुरू होंगे तो पूरे पूजन के विधि विधान के साथ, तो मेरी ना बात पूरी हो ही नहीं पा रही है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है। इस बार महाराज ने डिस्टर्बेंस दे दी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बात पूरी करके रहूँगा। तो माता जी के जो मुख्य दर्शन है वो नवरात्र में, जब पूरी विधि विधान के साथ पूरी पूजा पाठ हो जाता है ना, तभी जाके आम लोगों को दर्शन करने को मिलता है, ठीक है ना। वैसे तो प्रतिमा है, होने को कुछ भी नहीं है, मतलब जो बनाता है मूर्तिकार उसको तो वो होता है, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। देखते हैं क्या स्थिति है। और हाँ ये जो आईने हैं ना, देखो एकदम प्लेन है, बिल्कुल आर पार है, ऐसा लग नहीं रहा ग्लास है। तो इसमें 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, 25% डार्क की अपन फिल्म लगा रहे हैं, तो उससे एसी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एसी जो है और ज़्यादा अच्छी कूलिंग करेगा, तो सुमो में भी लगाएंगे। तो सोनू बता रहा था कि उस पर चालानी कार्रवाई नहीं है, 25% से ऊपर होती है तो उस पर होती है, तो इसलिए मैंने सोचा लगा लेते हैं और आगे देखेंगे जो भी होगा, फिलहाल तो कर लेते हैं, क्योंकि एसी से बहुत परेशान, धूप पड़ती है ना, तो इधर एसी फुल चिल्ड कर दो तब भी गर्मी इधर से आ रही है, इधर से ठंडक आ रही है, मिक्स अलग होता है, सर सर चटकता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम।
तो उसका सोल्यूशन करने के लिए अभी गाड़ी को लेके चलेंगे अपन, तो बने रहना। अभी मैं दिखाता हूँ जेसीबी में इन लोगों ने कुछ चेंजेस करवाए हैं, वो देख लेते हैं अपन। एक तो नंबर प्लेट आ गई थी वो लगवा ली है ना, और क्या करवाया आगे, वो ये सब पीला सा पट्टा पुतवा दिया, और ये बहुत बुरा लग रहा है भाई, सही बात बताऊँ ना, पर्सनली मेरे को बिल्कुल अभी अच्छा नहीं लग रहा है। और थोड़ा ये जो श्री श्याम लिखवा है थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिखवा देते यार। तो अभी ये लोग नेट बिछा रहे हैं नीचे ताकि गंदी ना हो जगह। ये भोपाल हम गए थे तो वहाँ पे 60 रुपये फिट मिल रही थी, और ये विदिशा में 47 रुपये मिल गई है हमारे सोनू भाई ने। एकदम फिक्स रखना और निकालने में भी आसानी हो सफाई करने के लिए, नहीं तो रामू पल्ले ही ना पड़े कितना खींचना है। चल चल का ही हो पाएगा। फोन लगा ना तो है ना लोगों के मोबाइल बंद, इतनी परेशानी हुई आज बता नहीं सकता हूँ। तो भैया चल रहे हैं गाड़ियों को लेके, मैं और सोनू जाएंगे इटियोस से और प्रमोद भाई हमारे लेके आएंगे ये सुमो को। तो भैया हम यहाँ पे आए थे ये फिल्म चढ़वाने, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, वो बोल रहे हैं कि रात के समय में फिल्म जो है सही नहीं चढ़ती है, पता नहीं चलता है, अंधेरे से काम होता है तो वो जल्दी उतर जाती है, मज़ा नहीं आता है। तो आप कल सुबह आओ तब जाके वो प्रॉपर चलेगी, नहीं तो निकल जाएगी, कोई मतलब नहीं है। दोनों गाड़ियाँ लेके आए थे हम, फिर वापस जा रहे हैं, कल भेजेंगे गाड़ियाँ, फिलहाल में निकलते हैं। पीछे देखो खड़ी है सुमो और ये रखी है क्रॉस, और हम लेके जा रहे हैं वापस, तो मतलब ही नहीं है, नुकसान हो जाएगा फालतू में। 1300 रुपये लग रहे हैं, भाई को 1200 बोल दिए और एग्री भी हो गए, 1200 रुपये में फिर चढ़ जाएगी, और देखते हैं कुछ और अच्छा दिख जाएगा तो वो चेंज करवा देंगे। तो ये हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, ये जा रही है सुमो, ये गंजू भाई होते चला रहे हैं यार, ये चल दी हमारी गाड़ी। और आज झांकियां जा रही हैं बहुत ज़ोर से, सीट बेल्ट लगाओ भैया, टी टी कर रही है। तो कल भी जाएंगी आज भी जाएंगी, इसलिए लोग पहले से ही तैयारी में लगे हुए हैं।